अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, जो व्लॉग एंड हो गया था तो ये उसका अगला पार्ट है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फ्रेंड्स, फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अभी बस अंदर एंट्री कर रहे हैं। फ्रेंड्स, फाइनली ये पहाड़ पहुँच चुका है और वो रहा रास्ता और ये है जहाँ पे हम आए हैं। और ये तो आप लोग को पता है ये कौन सी जगह है, वो वाले पहाड़ में हमें जाना है और ये रास्ता है और अभी बस हम लोग जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी तो आप लोग को पता चल गया होगा हम लोग किधर आ रहे हैं। यस फ्रेंड्स, हम आए हैं यहाँ पे नमक की खान के अंदर, केवड़ा। केवड़ा है जगह का नाम है, लेकिन ये है नमक की खान। जी फ्रेंड्स, यही है वो जगह और उस साइड से हमें जाना है और यहाँ पे नमक की देख सकते हैं, नमक का स्टॉल लगा। हम यहाँ पे जाकर देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। फ्रेंड्स, सबसे मेन बात तो ये है कि आप इतनी गर्मी, हमारी हालत अजीब सी हो रही है क्योंकि सूरज बिल्कुल सिर से सर पे रखा है, लेकिन अंदर जाएंगे तो वहाँ पे सही है। बाकी हम लोग आ चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, अभी मैं आप लोग को अंदर से दिखा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे गर्मी बहुत है, तो हम सब ने डिसाइड किया कि पहले थोड़ा सा जूस पी लेते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे अंदर। फ्रेंड्स, अभी ये है एक पूरी पुल और इसी से हमें जाना है उस पहाड़ के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लोगों ने अपने स्टॉल लगाए हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से ट्रेन भी जाती है, लेकिन हम लोग ट्रेन में नहीं जा रहे, ट्रेन में बहुत टाइम लगता है। हमने कहा हम लोग पैदल ही चले जाएंगे, वैसे भी थोड़ा सा ही रास्ता है, ज़्यादा नहीं। ये वाला व्यू देखे फ्रेंड्स, ये इस पुल के साइड से ये पहाड़ जो खाली है जगह ना, तो ये यहाँ पर ये व्यू है और वो रहा रास्ता। तो अभी हम लोग इंटर होने लगे, वो देख सकते हैं आप, कुआं टाइप का बना है, उसके अंदर में जा रहे हैं। स्कैनिंग करवा रहे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम वहाँ तक तो इतनी गर्मी थी और जैसे हम इस साइड आए फ्रेंड्स, ऐसे लग रहे यहाँ पे ना कुदरती कोई ठंडा के माशाल्लाह। सॉल्ट माइंस केवड़ा। फ्रेंड्स, वो देखिए कितना लंबा रास्ता है और हमें इधर तक जाना है और ये हम लोग इधर से जा रहे हैं, कुछ लोग इधर से। फ्रेंड्स, ये लोग कह रहे हैं कि इधर करंट है, इधर से मत जाओ। चाहे लवाम, आपकी वीडियो कैप्चर हो गई। गर्मी से फ्रेंड्स ठंडक पड़ गई कसम से, आप इतनी ठंडी है हवा है, मतलब इतना ठंड है ना जैसे हम एसी में आ गए ऐसे लगे। उनको देखिए, उन्हें चलते पिकनिक में आए हैं। फ्रेंड्स, मैं ये टेस्ट करके देखती हूँ नमक, लेकिन ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है। नमक की खान में नमक है, लेकिन मुझे गंदा लग रहा है। नमक की खान में तो आए हैं फ्रेंड्स, लेकिन अभी हम लोग सोच रहे थे दीवार में टेस्ट करके देख लें कि पता नहीं क्या है, गंदे गंदे दीवार है। चलो, आरिफ भाई अपना कैमरा ऑन करके कहते हैं हमें कि पीछे हटो, क्यों आप ही आए हो इधर, हम नहीं आए। नमक की कान में हम लोग इंटर है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे अभी तक हमें नमक नहीं दिखा, अभी तो सिर्फ इतना लंबा रास्ता दिख रहा है। ट्रेन आ रही है फ्रेंड्स, ट्रेन आ रही है, पटरी पे मैं जा रही हूँ और आगे से ट्रेन आ रही है। तो इधर भागते हैं फ्रेंड्स, क्या पता है रास्ता खत्म हो जाए, तो रास्ता खत्म ही नहीं होया। ये मुझे नमक ही लग रहे हैं, ये नमक ही है, छोटे छोटे नमक के टुकड़े हैं, ये नमक है, नमक है। हाँ ना, प्लीज भाई एक बार, एक रिक्वेस्ट है भाई प्लीज। फ्रेंड्स, मेरा भाई बहुत अच्छी गाय की आवाज़ निकल रहा है भाई, एक बार ये देखो इनकी स्पीड। मैं तो चल रही है फ्रेंड्स, अब मुझे वापसी में डर लग रहा है कि उतना कैसे चलेंगे अब। तो फ्रेंड्स, ये जगह है और अभी यहाँ से हम लोग को उस साइड जाना है क्योंकि वहाँ पे है नई चीज़। ये रास्ता लग जाता है, पता नहीं ये किधर जाता है, ये तो बाहर की तरफ है। अभी फिर से एक और ट्रेन आ रही है, आएगी आएगी, अभी ये भी आ रही है। ये वाली दीवार भी फ्रेंड्स नमक से ही बनी है। और फ्रेंड्स, सबसे जो प्यारा व्यू है वो है ये, यहाँ पे कुछ बन रहा है लेकिन अभी तक पता नहीं, लेकिन ये आप जगह देख सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोर्ड लगा है, पढ़ते हैं इस बोर्ड को। इन दमा के मरीजों का कुदरती इलाज हवा में नमक के मौजूद के अंतर छोटे जरात ना सिर्फ जरासीम कश दुरुस्त करने, एलर्जी साथ दमा के मरीजों। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना वो जो दमे के मरीज़ हैं वो यहाँ से अंदर जाते हैं और फिर उनका जो दमा है ना वो फिर ठीक हो जाता है, मतलब यहाँ पे उनका मुकम्मल इलाज है। यहाँ पे नमक के तासीरात मौजूद है जिसकी वजह से उनका मतलब लिखा है कि यहाँ पे इलाज होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लोग खड़े हैं,
हर कोई अपना अपना फ़ोटो शूट कर रहा है यहाँ पे सब लोग यार। ये भी एक ऐसी जगह है फ्रेंड्स, ये देख सकते कितनी गहरी तरीके से बनी हुई है। और यहाँ पे सारे जेंट्स हैं हमारे। ये भी है एक सुरंग है, पता नहीं अभी यहाँ पे क्या बन रहा है, लेकिन ये एक सुरंग स्टाइल का ये आप देख सकते हैं। आरिस बाय बाहर आवा गया हूँ बिल्कुल। यहाँ पे अलग अलग जगह में अलग अलग पॉइंट्स हैं और वहाँ पे मतलब नई नई चीज़ें हैं। अब आगे जाते हैं, देखते क्या होता है और क्या मिलता है हमें। सारे दीवार है, पहाड़ है, बल्कि ये सारा नमक से मिले। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इन्होंने ये सब कुछ बनाया है फ्रेंड्स के, ताकि हम भी देख सकें कि, और इसकी स्टोरी भी आप लोगों ने सुनी होगी ना, जिसमें ये था कि बादशाह ने देखा था कि यहाँ से नमक की तासीर है, फिर यहाँ से नमक दरियाफ्त हुआ था। ये एक ऐसी तालाब है जो नमक से बनी, जिसमें अगर बंदा गिर भी जाए तो नहीं डूब सकता। जैसे कि एक सी है, रिवर है, जिसका नाम है डेड सी, वहाँ पे भी अगर गिर जाए वहाँ पे नहीं डूब सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नमक के जो ज़र्रात है और जो तासीर है वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से जो बंदा होता है वो ऊपर ऊपर होता है। मम्मा क्या इरादा है? चल सानिया जंप मारे। मम्मा कितनी जंप मारेगा, मैंने कहा पता नहीं क्या, हम लोग तो रिस्क नहीं ले सकते। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, अभी वहाँ से भी नमक गिर रहा है, मतलब यहाँ पे हर जगह ही नमक मौजूद है। ये है तालाब, पता नहीं कौन है ये लोग फ्रेंड्स, ये इतनी मतलब एक चीज़ उन्होंने बनाई और यहाँ पे इतना गंद किया इन्होंने। ये वाला व्यू देखिए फ्रेंड्स, ये कितना खतरनाक है, यहाँ पे इसके अंदर इतने सारे नमक है। देखिए फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, ये है एक अलग किस्म के, इनके अब नाम में पढ़ने बैठूँगी तो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं सब, मैं आपको दिखाऊँगी। क्रिस्टल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ये बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रेड कलर का। और ये है एक, तो जो हम मम्मा पापा जो हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादा कौन सा वाला है? जो हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स वो है समंदरी नमक, और ये पहाड़ी नमक है, ये आप देख सकते हैं सारा। फ्रेंड्स ये देखिए इन्होंने सॉल्ट से पूरी एक मस्जिद बनाई है, माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है ये। ये देखिए फ्रेंड्स इतना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह पूरी मस्जिद। हाथ लगाऊंगी मैं इसे, मुझे इतना अच्छा लगता है ये। फ्रेंड्स अभी इन्होंने लाइट्स ऑन की और ये ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने न्यू सा शेड आ रहा है। जा रहे उस साइड फ्रेंड्स, वहाँ पे इतनी खूबसूरत सी चीज़ें दिख रही है हमें माशाल्लाह। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आप देखें, सही है फ्रेंड्स। ये वाला व्यू चेक करें, ये नमक के पहाड़ जैसा कुछ बनाया है, सारा नमक से है। ये वाला भी व्यू देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त आप लोग सॉल्ट माइन के अंदर मौजूद हैं। आप लोगों ने जो 2500 फीट के सफर को तय किया है, उस वक्त नमक नहीं था जी, जिप्सम पत्थर और मिट्टी था। नमक जो है वो चांदनी चौक से स्टार्ट हुआ है, चांदनी चौक जब लाइट चली जाए तो फिर अंधेरा चौक। ये माइन सर 17 लेवल के ऊपर मुश्तमिल है जी, 5 मंजिले से ऊपर है, 6 पे आप लोग विजिट कर रहे हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर, और 11 मंजिले इससे नीचे हैं जी। 150 साल हो गए यहाँ से नमक को निकालते हुए, एक अंदाजे के मुताबिक 20% भी नमक अब तक यहाँ से नहीं निकला जी। नमक को जो निकालने का तरीक़ेकार है, 50 फीट की जगह से हम लोग नमक को निकाल लेते हैं, 50 फीट जगह बतौर पिलर छोड़ देते हैं। इस माइन का जो वेदर होगा वो अपोजिट होगा, बाहर जितनी गर्मी होगी अंदर इतनी ठंड होगी, बाहर जितनी ठंड होगी अंदर इतनी गर्मी होगी। ये दुनिया की दूसरी बड़ी माइन और एशिया की पहले नंबर के ऊपर है, जो दुनिया की पहली है पोलैंड के अंदर है क्राको सॉल्ट माइन। वाह माशाल्लाह, ये व्यू देखे फ्रेंड्स ये ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। ये अस्थमा के लिए बड़े अच्छे हैं, इंग्लैंड अमेरिका से लोग आते हैं सांस का इलाज करवाने के लिए, लेकिन ज़्यादा लंबे भी नहीं लेने, ऐसे ना हो कि दोबारा सांस आना ही बंद हो जाए। आगे चलेंगे बादशाही मस्जिद। बेटा ये वीडियो जो बना रही है ना आपका चैनल, इंशाल्लाह जो अभी वहाँ पे जो ब्रीफिंग होगा ना बड़ा ऊपर जाएगा चैनल जी इंशाल्लाह। माशाल्लाह हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यहाँ पे भी शायद न्यू कोई कुछ चीज़ यहाँ पे बना देंगे फ्रेंड्स, आगे बहुत सी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग कहाँ कहाँ तक जाए समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही माशाल्लाह।
फ्रेंड्स ये देखिए, ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत सा व्यू इन्होंने बनाया है। यहाँ से पानी निकलता है, आबशार लिखा है यहाँ पे, लेकिन ये आबशार अब है नहीं, पानी नहीं है, लेकिन वहाँ से देखें वहाँ तक रहा रास्ता है, लेकिन यहाँ पे लिखे नॉट अलाउड, मतलब वहाँ तक जाना ही नहीं है। दुनिया की पहली है पोलैंड के अंदर क्राको सॉल्ट माइन। बारिश होती है तो सर यहाँ से पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश होती है फिर ज़्यादा पानी आता है, और जब ज़्यादा पानी आता है फिर कहाँ पर टांगना शुरू हो जाए। फ्रेंड्स ये जगह चेक करिए ना, ये गीला गीला सा लग रहा है, सारा पूरा गीला गीला है। अब यहाँ पे अगर हम लोग टेस्ट करें तो ये नमक ही होगा, लेकिन अजीब सा मुझे लग रहा है। जी ये सर हमारा मरी पॉइंट है। मरी वहाँ पे आजकल बर्फबारी होती है, यहाँ पे नमक बारी होती है। आप नथिया सेंटर हो जी, चले जा सकते हैं, जा सकते हैं। 15 मिनट के बाद मेन गेट के ऊपर पहुंचेंगे। झूठ बोला हमसे, झूठ बोला हमसे, यहाँ से बस निकल रहे हम लोग। ये ना तुमसे झूठ बोला, कितने इधर से जाओगे बाहर निकलोगे, ये देखिए यहाँ। बताऊँ कि क्या करना है आपके साथ हूँ। ये ले थोड़ा सा आगे है। अभी हमने जो ब्रिज होके नमक है, ब्रिज का नाम है पुलसरात। पुलसरात पुलसरात जन्म में सर जी, सिर्फ एक मिनट मेरी तरफ मुतवज्जो। ये ब्रिज क्रॉस करना है, ये दुनिया का पहला ब्रिज है नमक का, ब्रिज का नाम पुलसरात। क्रॉस करेंगे नमकीन जन्नत के अंदर। कल तक यही नमक आप लोगों के पेट में गर्दिश करता था, आज आप लोग नमक के पेट में गर्दिश कर रहे हैं। ये पत्थर देखें जी, ये पत्थर एंड तक जाते हुए नजर आएगा साथ आपको गहराई का अंदाजा। ये 120 फीट गहरा है, ये एंड तक स्टोन आपको जाता हुआ नजर आएगा सर। अभी जा रहे दीवारे मोहब्बत के पास, अंकल ने गए हमें दीवारे मोहब्बत, अब देखते हैं। अभी आपके खाने वाले हैं जी, थोड़ा सा आगे आ रहे हैं। सर आप रेडी हैं? हमारे जिस दीवार के ऊपर रोशनी है, दीवार का नाम दीवारे मोहब्बत। हाथ लगाने से घर में लड़ाइयां झगड़े खत्म, मोहब्बत ऐसा ही होता। हम पता करेंगे मीठा टेस्ट, दूसरी से नमकीन चेक करेंगे, एक से मीठा एक से नमकीन। सर देखिए जी 2023 में भी हमारी भावी कितनी भोली है। आप नमक के अंदर है, नमक नमकीन ही होता है। इसको टेस्ट करें, जो भी मेहमान आते हैं बेटा, यूनिवर्सिटी के बच्चों से चटवा चटवा के मुलायम करवाएं। फ्रेंड्स हम आ गए इस गुफा के अंदर देखने के लिए कि यहाँ पे क्या है। मम्मा का यहाँ पे कुछ जानवर हो गया, ये यहाँ पे खाली है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस खत्म है। देखो हाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस खाली है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, देख सकते हो आप लोग। हमारी जो यहाँ की जर्नी है वो ख़त्म हो गई, अभी हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, और हमें यहाँ पे बहुत मज़ा है, हमने बहुत सी चीज़ें भी देखी, और अभी बस जा रहे हैं बाहर। इतना लंबा रास्ता में निकलना है। चल चल के मेरे पैरों में दर्द हो गया, लेकिन रास्ता अभी भी इतना खास अच्छा खासा है ना कि मैं क्या बोलूं। फाइनली फ्रेंड मैं बाहर निकल गई, इतना थक गई, और बाहर फिर से इतनी भाप की गर्मी शुरू हो गई, वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं भी लेके पास जा रही हूँ। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हम लोग बैठे और आरिस भाई और सुफियान अंदर ही गायब है, हम लोग उन सब लोग उसके उन दोनों के इंतज़ार में बैठे हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों ने सॉल्ट से बहुत सी चीज़ें जैसे अल्लाह का नाम मोहम्मद और अल्फ़ाबेट तक और जैसे और भी बहुत से शॉपीज़ बना कर रखे थे। बारिश स्टार्ट हो गई है, आई थिंक कहीं किसी इलाके में बारिश होती है, और अभी यहाँ पे भी होने लग गई है एंडो का।
सो बाय बाय फ्रेंड्स, फाइनली ख़त्म हुआ ये वाला भी सफ़र। ये जगह भी अब हो गई, अब आगे जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये सब हो गया। फ्रेंड्स हम लोग यही जगह है और आप देख सकते हैं खाड़ी कैसे हिल रही है। लोग कह रहे अभी आधा ऐसा और रास्ता है। जब ये है लिल्ला टोल प्लाजा और यहाँ से हम इंटर हो रहे हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हम मोटर पे आ गए हैं और अभी बस ये सीधा सीधा रास्ता है। शुक्र है ये रास्ता अच्छा है, वो रास्ता इतना ख़राब है फ्रेंड्स। शुक्र है ये रास्ता अच्छा है। ये कलर कार में एक रिजॉर्ट सी जगह है, तो हमें यहाँ पे रेस्टोरेंट ढूंढना था, तो फाइनली हमें मिल गया। और ये दरख्त देखिए माशाल्लाह। फ्रेंड्स हमने सुबह के 10 बजे नाश्ता किया था और अभी हम लोग फ्री हुए इधर जगह से और फिर कुछ भी नहीं खाया, और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे रुकने, तो आज यहीं से खाना खाएंगे। अब देखते हैं कि, और अभी पता है टाइम क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 6 या 6:30 हो रहे हैं और अब हम अभी खाना खा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस जो रिजॉर्ट की सबसे मेन बात पता है क्या, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। लुक एट दिस फ्रेंड्स, यहाँ पे झूले हैं, वो सामने झील, ये सब और ये सब कुछ है। फ्रेंड्स अभी हम लोग पहली बार आए हैं ऐसी जगह, तो हम लोग अभी एक्सपीरियंस करेंगे, फिर मैं आप लोग को भी बताऊँगी कि कैसा खाना था। हम लोग सिर्फ यहाँ पे खाना ही खाएंगे और हमें कुछ नहीं करना। फ्रेंड्स जो सबसे प्यारा व्यू है वो है ये, यू पहाड़ों के साइड में ये इस तरह का रिजॉर्ट है। अब पता नहीं अंदर जाना अलाउ है या नहीं है, तो नहीं पता, पूछते हैं। फ्रेंड्स ने ना जब भी ऐसी जगह में कैट्स देखती हूँ तो मुझे मेरे छोटू और मालो की याद आती है। इधर देखिए इतने क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से कैट्स है, इनको देख के मुझे मालो की याद आ गई। आओ ना ना, मैं कुछ नहीं करूँगी पागल, उसको देखे वो किसे खा रहा है खाना, कुछ नहीं करूँगी। सो फ्रेंड्स अभी अंदर जाकर देखते हैं कि ये रिजॉर्ट कैसा है। फ्रेंड्स ये एक रेस्टोरेंट ही है। हेलो फ्रेंड्स, अरबी हाय करो। हाय। फ्रेंड्स खाना खा लिया और अभी इतनी सारी थकान जो है ना वो सब दूर करने के लिए सिर्फ एक चाय ही बहुत है। फ्रेंड्स मैं भी आपको ये पूरा व्यू दिखाती हूँ, वो देखे वो समंदर, ये ग्रीनरी, ये सुकून, और यहाँ पे ये कप चाय जो मजा आ रहा है ना फ्रेंड्स, वो बात ही अलग है। आप ये रात का व्यू देखे फ्रेंड्स, ये कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है, और इन्होंने यहाँ पे सारी लाइट्स ऑन कर दी और अभी हम लोग रात के टाइम बैठे और अपनी चाय पी रहे हैं। ये भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सब जगह में लाइट होल है, और ये वाली लाइट्स देखिए। सो फ्रेंड्स अभी बस हम लोग निकलने ही वाले, फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी कार की तरफ और बस घर चले जाएंगे। इस होटल का भी व्यू देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत है, कितने सारे लाइट्स यहाँ पे लगे और पूल भी इतने माशाल्लाह से खूबसूरत है। फ्रेंड्स अभी हम जा रहे घर की तरफ, आप देखिए ये तो अभी कुछ नहीं लग रहा, शांति जैसे पूरा चक्कर रहते हैं। फ्रेंड्स आगे रास्ता पूरा खराब है और अभी हमारी गाड़ी फंस गई है, बल्ला करके हम यहाँ से निकल जाए।
ये है बेड, ये फ्रेंड्स ये है गांव के बेड, ये कुछ दिख नहीं रहा था फ्रेंड्स, लेकिन आपने मुझे दो आंखें देखी है ना समझ जाएगा ये बेड ये, और हमें हमसे डर रहे थे किधर। अस्सलाम वालेकुम, फाइनली 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 फ्रेंड्स हम घर पहुंच गए।